कल असी एक एनालिसिस किया सीगा पटवारी ते एक्साइज दे जिहड़ी मैरिट लिस्ट आई सी उहनूं असी देखिया और यह पता लग्या कि बहुत सारे कैंडीडेट जिन्हां ने पटवारी का पेपर भी दिता सीगा एक्साइज का पेपर भी उन्होंने दिता होया और एक्साइज का पेपर बहुत सारे बच्चों का पेपर भी क्लीयर होया। जिवें मैं थोनों कल दस रहा सीगा तकरीबन 500 दे जिहड़ी आपां लिस्ट देख रहे सी पटवारी दे विच तां उहदे च 258 कैंडीडेट्स ने नाल एक्साइज का पेपर भी दिता है और बहुत सारे कैंडीडेट्स का पेपर वह क्लीयर भी होया। दैट मीनस कि वह वाले कैंडीडेट जिहड़े एक्साइज दे विच जाणगे हुण वह वैकेंसियां किते ना किते खाली होणगियां और पटवारी की जिहड़ी मैरिट लिस्ट है वह अगे होर अगे जाएगी। सिमिलरली जे आपां हुण देखदे हाँ पटवारी का ते जेल वार्डन का रिजल्ट आप चेक करिए इस दे विच इन्नी ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है जिनी कि पटवारी तो एक्साइज के विच सीगी पर फिर भी कैंडीडेट्स हैगे ने जिन्होंने कि दोनों पेपर भरे हुए ने। सो उस चीज़ में जो असं एनालाइज करते हैं तो देखते हैं मैं यह जी मैरिट लिस्ट कढ़ी है तकरीबन पटवारी की मैरिट लिस्ट उन्होंने असी लै गए हाँ 80 नंबर तक लै गए हाँ लेकिन क्योंकि बहुत सारा अगे तक लैके जाना सीगा दैट इज रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एफर्ट ऑलसो तो यह जी लिस्ट हैगी है कि जिन्हें दे पटवारी दे विच 80 नंबर तक आए ने और उन्होंने पेपर जिहड़ा सीगा वह भी क्लीयर होया वा जेल वार्डन का पेपर भी क्लीयर होया वा दैट मीनस वो वाले कैंडीडेट किते ना किते पटवारी वाली लिस्ट दे विच आ जाणगे ते उधर वह जाणगे दैट तां उहदे नाल जिहड़ी जेल वाली मैरिट लिस्ट हैगी है उहदे विच वेटिंग लिस्ट वाले कैंडीडेट डेफिनेटली उहदे विच इनक्लूड होण दे चांसिस वध जांदे ने। सो असी देख रहे हैं ये कि 97 वाला पहला कैंडिडेट है जो 97.5 मार्क्स है पटवारी दे विच और जेल दे विच 35वां रैंक है दैट मीनस डेफिनेटली वो पटवारी दे विच जाएगा वह जेल वार्डन वाली वैकेंसी नहीं लेगा। सिमिलरली 163 रैंक है तो ये पटवारी दे विच रैंक काफ़ी हाई रैंक हैगा तो दैट मीनस ये भी इधर जाएंगे। सो ये वाली एक्सपेक्टेड लिस्ट हैगी है जी कि आप कह सकते हैं कि ये वाले कैंडीडेट कॉमन कैंडीडेट ने ये वाले जेडे कि जेल दे विच भी पास होए ने ते पटवारी वाले पेपर दे विच भी पास होए ने ओह डेफिनेटली पटवारी वाले लिस्ट विच जाणगे और ये दूजी लिस्ट है। तो ये असी यह देखिए कि तकरीबन कोई 39-40 कैंडीडेट ऐसे ने 80 नंबर तक जिन्हां दे पटवारी दे विच नंबर ने ओह मूव करनगे फ्रॉम जेल टू पटवारी वाली लिस्ट मूव करनगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिहड़ियां रिजर्व कैटेगरी ने उन्हां दे विच भी इस तरह के कैंडिडेट होणगे पर उन्हां दे चांसिस थोड़े जे घट लगते हैं कितने ना कितने पर वह उत्थे तक एनालिसिस असी कर नहीं पाए क्योंकि दैट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एफर्ट। मैनूं उम्मीद है कि जल्दी रिजल्ट आ भी जाएंगे और रिजल्ट आने के नाल ये भी चीज़ा जिहड़ियां सीगियां थोड़े नाल क्लीयर हो जाएंगियां। बट आई थिंक कि ये वाली इनफॉर्मेशन थोड़े वास्ते इंपॉर्टेंट सी सो ये थोड़े नाल शेयर कर रहे हैं कि जेल वार्डन ते पटवारी का रिजल्ट ये वाला शेयर हो रहा है क्योंकि असी देखिए कि जेल वार्डन दे विच तकरीबन 815 वैकेंसीज ने 352 तो जनरल कैटेगरी विच ने EWS 82 वैकेंसीज ने और बाकी जिहड़ियां वैकेंसीज ने थोड़े सामने ये वालियाँ हैगियां ने। सो काफ़ी सारे जिहड़े कैंडीडेट ने वह असी उम्मीद कर सकते हैं कि पटवारी विच जाणगे और जदों भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंदा है तो उहदे विच ये भी चीज़ बड़ी क्लीयर हैगी है कि 3 गुणा कैंडीडेट बुलाए जाते हैं पर 3 गुणा कैंडीडेट बुलाने का मतलब ये नहीं है कि सारे दे सारे वह सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन मैरिट वाइज ही होनी है जिन्हें नंबर उन्होंने आए ने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के उदे बेसिस उत्ते सिलेक्शन होनी है पर कैंडीडेट 3 गुणा बुलाए जाते हैं क्योंकि कई कैंडीडेट्स के कुछ फॉरमैलिटीज़ पूरी नहीं होनगियाँ उन्होंने सर्टिफिकेट्स पूरे नहीं होंगे तो वह वाले कैंडीडेट जोड़े से वो छट जाएंगे बच्चों तो उन्होंने अगे वाले जोड़े कैंडीडेट ने वह सिलेक्ट हो जाएंगे। सो जदों पटवारी की लिस्ट पहला आ गई तो जोड़े कैंडीडेट जेल वार्डर ने तो डेफिनेटली पटवारी में चले जाएंगे वह उम्मीद कर सकते हैं कि वह फिर जेल वार्डन वाली जी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है वो नहीं जाएंगे तो वह वाली वैकेंसीज खाली हो जाएगियाँ और अगले वाले कैंडीडेट जैसी उन्होंने मौका मिल जाएगा। सो इस तरीके नाल एक लिस्ट तैयार की गई है और ये ही मैं दोबारा यही कहूँगा क
कि अपनी तैयारियां जारी रखो क्योंकि PSSSB का पेपर भी बहुत जल्दी आने वाला है और जिवें कह रहे हैं बहुत जल्दी तो यह मतलब बहुत जल्दी है और उम्मीद की जा रही है कि दसंबर के पहले हफ्ते दे विच यह पेपर हो जाएगा। ठीक है, सो ये वास्ते जिन्ना समा मिलिया होया है उहदे वास्ते जल्दी तो जल्दी तैयारियां पूरियां कर लो अपनियां ताकि उस पेपर के वास्ते भी थोड़ी मुकम्मल तैयारी होवे और उहदे च कामयाबी हासिल कर सको। इहदे नाल ही तुहानू सारिआं नूं दिवाली दीआं बहुत बहुत वधाईआं। दिवाली का मौका है और ये जिहड़े एक दो दिन हैगे ने लगा लो भावें त्यौहार दे विच पर अपनी तैयारियां नूं नहीं छड्डना, उहनां वास्ते अपना पूरा एफर्ट लगा के रखो क्योंकि उस नाल ही थोड़ी अगे जिंदगी जिहड़ी सी उही बननी है। त्यौहार तां फिर भी आउणगे पर यह मौके वार वार नहीं आने, इस करके मैं दोबारा यही गल कहूँगा थानू कि यह तैयारियां अपनियां जारी रखो। विद दिस वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।